10 सितंबर को ग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले बुध देवता वक्री होने वाले हैं अपनी उच्च राशि कन्या में। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाला है, रेट्रोग्रेड होने वाला है। इससे सभी 12 राशि वालों पर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार वक्री बुध इंसान की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है, यानी कि इसका प्रभाव जो है, हमारे नेचर, बोली और बुद्धि को भी प्रभावित करता है और करने का कार्य करता है। ज्योतिष में बुध देवता वाणी, भाषा, बुद्धि व संचार के कारक कहे गए हैं। ऐसे में बुध की चाल बदलने का असर सभी 12 राशि वालों पर पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। माना जाता है कि अगर किसी इंसान की कुंडली में बुध देवता जो है, यानी कि मरकरी जो है, उसकी स्थिति मजबूत हो, तो वो जातक को अच्छी बोली, आर्टिस्टिक बनाते हैं, एनर्जेटिक रखते हैं और लॉजिकल बनाते हैं। बुध को एक राशि से दूसरी राशि जाने में लगभग 24 दिन का समय लगता है। 10 सितंबर को ये बुध देवता जो है वो कन्या में रहते हुए कन्या में ही वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलना शुरू कर देंगे। आपको बता दूं कि बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, क्योंकि कन्या राशि बुध के स्वामित्व वाली राशि है। ऐसे में अपनी ही राशि में बुध का वक्री होना कई जातकों को, कई राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ हो सकता है और कुछ लोगों के लिए अशुभ भी होगा। तो पहले मैं आपको वक्री बुध का समय बताती हूँ, फिर मैं आपको इसका सभी राशि पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी मैं दूंगी। बुध कन्या राशि में 10 सितंबर को यानी शनिवार को सुबह 8:42 पर जो है वक्री होंगे, और उसके बाद 2 अक्टूबर रविवार को बुध कन्या राशि में ही अपनी मार्गी गति फिर से शुरू कर देंगे, जिसके बाद वे 26 अक्टूबर तक जो है बुधवार को, यानी कि कन्या से तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये तो हमने समय की बात की, अब बताते हैं आपको आपका राशिफल कि वक्री बुध का क्या असर पड़ेगा सभी 12 राशि वालों पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। बुध आपके षष्ठम भाव में वक्री होगा, यानी छठे भाव में। बुध की ये स्थिति मेष राशि के लोगों के हेल्थ के लिए, उसके हेल्थ पर इम्पैक्ट डालेगी। इस कारण जो है आपको सेहत से जुड़ी, यानी हेल्थ से जुड़ी परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। कार्यस्थल पे, यानी ऑफिस में, यहाँ जो आप जहाँ काम करते हैं, आपके शत्रु भी इस दौरान आपको लगातार हानि पहुँचाने का प्रयास करते दिखाई देंगे। प्रतिद्वंदी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। नौकरी पेशा जातक जो हैं, उनको सफलता मिलने के योग बनते दिखाई देंगे, लेकिन आपका खराब स्वास्थ्य, यानी आपकी खराब जो हेल्थ है, आपकी लाइफ में बाधा लेकर आएगी। तो इसीलिए आपको उसका ध्यान देना है, शुरुआत से ही अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप डिप्रेशन में या फिर स्किन रिलेटेड परेशानियों से आप पीड़ित हो सकते हैं। बिजनेस कर रहे जो भी लोग हैं मेष राशि के, उनकी बात कर लेते हैं, तो व्यापार में वृद्धि करने के कई सुनहरे अवसर आपको मिलने वाले हैं। आर्थिक जीवन में देखिए, यानी पैसों की बात करें, तो अपनी आमदनी बढ़ाते हुए अच्छा धन अर्जित करने में भी आप सफलता हासिल करेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी बात की जाए, तो अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और खुद को प्रोत्साहित कर सकेंगे। क्या रेमेडी करनी है और अच्छा इम्पैक्ट पाने के लिए, और अच्छा जो है प्रभाव पाने के लिए, तो बुध के बीज मंत्र का जाप कीजिएगा। बारी वृषभ राशि वालों की। आपके पंचम भाव में बुध वक्री होंगे, ऐसे में बुध की स्थिति आपको मिले जुले फल देगी। आपके जो अपने करीबी हैं, आपकी जो फैमिली है, उनके साथ अपने संबंधों में सुधार करते आप दिखाई देंगे। घर पर किसी मेंबर के साथ कोई विवाद चल रहा था, कोई इश्यू था, तो वो आप उसे भी जो है हल करने में सक्षम रहने वाले हैं। आर्थिक जीवन पर भी वक्री बुध का प्रभाव सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि कर सकेंगे आप। आपके लव रिलेशनशिप जो है आपको सामान्य से कम अनुकूल फल देंगे, इसीलिए उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ था या फिर पार्टनर की वापसी इस दौरान जो है संभव है, तो आ सकती है आपके लाइफ में, आ सकता है। वहीं अगर आप शादीशुदा हैं और आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, तो बुध देवता का आशीर्वाद मिलेगा, संतान प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बात की जाए, तो अपनी शिक्षा में बेहतर करते आप दिखाई देने वाले हैं। वहीं फैमिली लाइफ की बात की जाए, पारिवारिक जीवन की, तो वातावरण में आपके घर के लोगों के बीच शांति की अनुभूति आपको रहेगी।
उपाय क्या करना है, तो गाय को हरा चारा खिलाइएगा। बारी मिथुन वालों की, तो आपके चतुर्थ भाव में बुध वक्री होंगे, समाज में आपकी छवि बेहतर करते हुए दूसरों को अपनी ओर आप आकर्षित करने का आपको अवसर मिलेगा, अट्रैक्ट कर पाएंगे आप अपनी बोली से। फैमिली में आपको अपने घर के मेंबर्स के साथ जो है टाइम बिताने का और आपसी संबंध मधुर बनाने का मौका मिलेगा, यानी जो भी इश्यूज हैं सॉल्व हो जाएंगे। हर उस मुद्दे को उठाने से बचें जिसके कारण घर पर शांति भंग हो, यानी कि लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। वो जातक जो अपने घर के निर्माण में यानी रिनोवेशन की सोच रहे थे, अपने प्रयासों से बुध देवता जो है आपको सफलता देंगे, आप उसमें काम करवाएंगे। कई लोग जो है किसी यात्रा पर जा सकते हैं या प्लान बना सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, आपकी बात की जाए तो आपको कुछ प्रॉब्लम से तनाव मिलने की संभावना रहेगी, तो बच के रहेगा जॉब में। छात्रों के लिए समय मिला जुला रहेगा। उपाय क्या है, तो बुध के बीज मंत्र का जाप कीजिए। बारी कर्क राशि वालों की, बुध ग्रह आपके तृतीय भाव में ही वक्री होंगे, तीसरे भाव में। किसी के से बातचीत करते टाइम सावधानी रखिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले एक बार फिर से सोच विचार करना होगा। कोई भी सौदा करते टाइम हर डॉक्यूमेंट को ठीक से पढ़ने की आपको जरूरत होगी। जो लोग जॉब करते हैं उनकी बात की जाए तो कार्यस्थल पर उनके शत्रु लगातार परेशान करेंगे, तो वर्क प्लेस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों का को जो है वाणी दोष के कारण अपने बॉस या वरिष्ठ अधिकारी के साथ मतभेद भी देखने को मिलेगा। फैमिली लाइफ में देखा जाए तो इस अवधि में आपके भाई बहनों के साथ जो है गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से संबंधों में परेशानी उत्पन्न होने वाली है, तो वहां ध्यान दीजिएगा। अपने गुस्से को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा, नहीं तो चीजें आपके लिए दिक्कत बन जाएंगी। दोस्तों की संख्या में इजाफा करेंगे आप, इसके साथ ही आप नए दोस्त बनाते हुए उनके साथ घूमने का प्लान भी बना सकते हैं, लेकिन आपके लिए लंबी दूरी की यात्रा करना थोड़ा कष्टदायक रहेगा, तो इसीलिए जरूरी ना हो तो लंबी दूरी की यात्रा करने से अभी बचने की जरूरत है, परहेज करने की जरूरत है। उपाय क्या है, तो हरी मूंग का दान करें। बारी सिंह राशि वालों की, बुध आपके द्वितीय भाव में ही वक्री होंगे, बुध देव आपके पारिवारिक जीवन में सबसे अधिक अशांति उत्पन्न करने वाले हैं। आर्थिक जीवन के लिहाज से देखा जाए, पैसों के हिसाब से तो प्रतिकूल रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। धन उधारी पर लेने से बचिएगा। व्यापारी जातकों की बात की जाए तो अगर आप अपने बिजनेस को लेकर कुछ नया प्लान बना रहे हैं तो उनके लिए यह अवधि सामान्य से अनुकूल रहेगी। इसके अलावा नौकरी पेशा जो लोग जॉब करते हैं उनकी बात की जाए तो कार्यस्थल पर किसी भी कमी के साथ जो है किसी भी चीज़ के साथ बात करते टाइम, किसी भी अपने कोवर्कर के साथ बात करते टाइम सावधानी बरतिएगा। स्टूडेंट्स के लिए यह अवधि अच्छी है, ठीक ठाक रहेगी। उपाय क्या है, तो गणपति की पूजा जरूर करें। बारी कन्या राशि वालों की, बुध आपके ही भाव में वक्री होने वाले हैं, तो कार्य क्षेत्र पर अनुकूल फल मिलने के योग बनेंगे। इससे आपको करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे। पर्सनल लाइफ की बात की जाए, व्यक्तिगत जीवन की, तो उसमें आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए सामाजिक दृष्टि से भी अपनी जो है छवि में सुधार करते दिखाई देंगे। हालांकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, शत्रु हैं, इस समय सक्रिय रहेंगे। शादीशुदा लोगों को जीवन साथी से बहस करने से बचना होगा। जो लोग किसी मीडिया में या फिर एडवर्टीजमेंट में काम करते हैं सेक्टर में, उनके लिए अवधि अनुकूल रहने के योग बना रही है। करियर से जुड़ा आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से अभी बचना होगा। स्टूडेंट्स की बात की जाए तो बुध देवता अच्छे परिणाम आपको जरूर देंगे, उसके संकेत बनेंगे आपको। उपाय क्या है, तो बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करिएगा। तुला राशि, बुध आपके 12वें भाव में वक्री होंगे, ऐसे में बुध की ये वक्री अवस्था आपके जीवन में नेगेटिव बदलाव लेकर आएगी। आपके अंदर गुस्से की वृद्धि देखी जाएगी, यानी क्रोध की वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र पर आपके लंबे समय से अटके हुए काम आप अपनी लगन और मेहनत के दम पर पूरा करने में सफल रहेंगे। जो आपके विरोधी हैं उनके प्रति थोड़ा सावधान रहिएगा, जांचने की कोशिश कीजिए। निजी जीवन में यानी पर्सनल लाइफ में आपको अपनी समझदारी दिखाते हुए हर डिसीजन को बुद्धि और बड़ों की सलाह मशवरा के साथ लेने की जरूरत होगी। कई जातकों को, कई लोगों को इस राशि के इस दौरान अपने पिता के साथ वाद विवाद भी हो सकता है, तो वहां भी बचना होगा। पैसों की बात करें तो आपको शुरुआत से ही अपने बेकार के खर्चों पर लगाम लगाते हुए अपना धन अधिक खर्च करने से बचना है, यानी बजटिंग कीजिएगा। उपाय क्या है, तो गणेश जी की आराधना जरूर करें। वृश्चिक राशि, बुध आपके एकादश भाव में जो है वक्री होने वाले हैं। बुध का वक्री होना आपको सामान्य से अनुकूल फल दिलाएगा।
घर परिवार की बात की जाए तो उसमें शांति और खुशी का वातावरण रहेगा। आपके भाई बहन भी आपका सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे। आपकी जो है अपनी वाणी और शब्दों का चयन आपको सोच समझ कर करना होगा, बहुत ही ध्यान से बोलना है। आर्थिक पक्ष को देखें तो उसमें आपको जो है मिले जुले फल मिलने वाले हैं। अगर आपका कहीं धन अटका हुआ है, पैसा फंसा हुआ था, तो वो आपको वापस मिल सकेगा इस दौरान। करियर में भी आप अपने अधूरे पड़े काम को या प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल रहने वाले हैं। जो बिजनेसमैन हैं उनकी बात की जाए तो मुनाफा मिलने की संभावना रहने वाली है। आपकी मुलाकात कई नए लोगों से भी होने वाली है। मार्केटिंग के अगर सेक्टर में हैं आप तो आपको लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं हेल्थ की बात की जाए तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आलस करने से बचिएगा। उपाय क्या है तो बड़ों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। धनुराशि, बुध आपके दशम भाव में वक्री होंगे। कार्य क्षेत्र पर आपको लाभ मिलेगा और आपकी मेहनत की कार्यस्थल पर जमकर तारीफ होगी। अगर आप जो है बिजनेस करते हैं तो ये टाइम आपके लिए शुभ रहने वाला है। जो पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में हैं, उनको भी अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में बुध देवता मदद करने वाले हैं। फैमिली लाइफ की बात की जाए तो उस लिहाज से जिन लोगों को अपने घर परिवार से जुड़ा कोई भी बड़ा डिसीजन लेने में परेशानी आ रही थी, उनकी प्रॉब्लम जो है दूर होने वाली है और वे हर डिसीजन लेने में सफल रहेंगे। अब बात करें अगर आपके लव लाइफ की, तो जो लोग लंबे टाइम से अपने लिए किसी अच्छे पार्टनर की तलाश कर रहे थे, उनकी तलाश पूरी होने की पूरी संभावना दिख रही है। कोई मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर मैरिड हैं तो आपके लिए टाइम थोड़ा टफ होने वाला है, बच के रहिएगा। उपाय कर लीजिएगा जो मैं बता रही हूँ, हरे रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बारी मकर राशि वालों की। बुध आपके नवम भाव में वक्री होंगे। ऐसे में बुध देवता की स्थिति आपको अनुकूल फल देने के योग बनाएगी। खासतौर से सभी कानूनी मामलों से संबंधित काम जो भी हैं, कोर्ट से रिलेटेड या फिर कहीं आप कोर्ट केस में फंसे हुए थे, तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस हैं। घर परिवार में भी खुशहाली का माहौल देखने को मिलेगा। हर तरह से आप अगर कोई ट्रेवल करते हैं, हर प्रकार की यात्रा करने से बचना है आपको, कहीं भी नहीं जाना, नहीं तो हानि होने की संभावना है। स्टूडेंट्स की बात की जाए तो जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बुध देवता आपको सफलता दिलाएंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, आप पढ़ाई में अव्वल रहेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। करियर की बात की जाए तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर बात करें बिजनेसमैन लोगों की, तो प्रॉपर्टी, जमीन आदि से जुड़े व्यापारियों को अच्छा धन लाभ होने के योग बनेंगे। उपाय क्या करना है तो बुधवार के दिन हरे वस्त्र पहने। कुंभ राशि, बुध आपके अष्टम भाव में वक्री होंगे। बच्चों के साथ आपके संबंध, आपकी फैमिली के बच्चे जो हैं, आर्थिक जीवन और प्रेम संबंधों को ये वक्री बुध जो है प्रभावित करने वाला है। माता पिता के साथ संबंधों में अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बुध देव के कारण आप कुछ थकान और खुद पर दबाव महसूस करेंगे। आत्मविश्वास की कमी भी देखी जाएगी कुंभ राशि वालों में। किसी भी तरह का धन निवेश इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लीजिएगा, कोशिश कीजिए इग्नोर कर दे। उधारी पर आपको लेन देन करना इस दौरान आपके लिए कष्टदायक हो सकता है, तो वो ये भी मत कीजिएगा। लव लाइफ की बात की जाए तो प्रेमी जातकों को अपने लव पार्टनर के साथ शांति और धैर्य से बातचीत करने की जरूरत होगी, क्योंकि वो आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। स्टूडेंट्स जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं, बुध देव कामयाबी दिलाने के योग बनाएंगे। उपाय क्या है तो भगवान गणेश को हरि दुर्वार अर्पित करें। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि वालों की। बुध आपके सप्तम भाव में वक्री होंगे। जो बिजनेसमैन हैं, जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, बुध देवता किसी प्रकार का कोई नुकसान होने की आशंका बनाने वाले हैं, यानी आपको होने के चांसेस है। तो प्रेम संबंधों की बात करें तो शादीशुदा लोगों का जो दाम्पत्य जीवन है कुछ तनावपूर्ण रहेगा। कई लोगों को ससुराल पक्ष से भी कुछ कष्ट मिल सकता है। फैमिली लाइफ की बात की जाए, पारिवारिक जीवन में आपको तानाशाही ना करते हुए हर फैसला लंबे समय से घर वालों से सलाह मशवरा करके लेना होगा, यानी डिस्कस कर लीजिएगा। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए टाइम कुछ टफ रह सकता है, तो वहाँ आपको ध्यान देना होगा। पैसों की बात की जाए तो आपका वित्तीय पक्ष जो है मजबूत होगा, यानी सेविंग्स बढ़ सकती हैं। वहीं इसके अलावा जो देखा जाए तो धन से जुड़ी कोई पहले की आपकी प्रॉब्लम थी, तो वो भी इस दौरान जो है आप ठीक ठाक कर लेंगे। तनाव मुक्त आप रहेंगे, सारी चीज़ें बैलेंस्ड रहेंगी। उपाय क्या है तो भगवान विष्णु और उनके अवतार का नाम लें, उनकी कथाएँ सुनें, उनकी पूजा करें।
तो जाना हमने कि 10 सितंबर को जो बुध वक्री हो रहे हैं कन्या राशि में, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि वालों पर। हमने आपको कुछ रेमेडीज बताए हैं, आप जरूर कीजिएगा। मैक्सिमम राशि वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन जिन राशि वालों पे इसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ने वाला है, उपाय करते रहिएगा, बहुत राहत मिलेगी। बाकी और भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो हर शाम 7 बजे मैं इसी चैनल पर आती हूँ आपके लिए लेकर दैनिक राशिफल। वहां जाकर कॉमेंट कर दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब अगले दिन की वीडियो में दे दूंगी। फिलहाल इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए धर्मा लाइव। नमस्कार।